मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रिंकू सिंह, एसएसवी जायसवाल का आया तूफान। इन बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टी20 मुकाबले में 100 नहीं बल्कि यहां पर दोहरी शतक की पारी खेल डाली, जिसको देखकर आपके बेकार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंग्लैंड के गेंदबाज से लेकर के कप्तान सोच में पड़ गए। घातक विस्फोटक गेंदबाजी उनकी कप्तान रोहित शर्मा के आगे पूरी तरीके से फ्लॉप रही। कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए, वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। पहले टी20 के मुकाबले में इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आप भी कप्तान रोहित शर्मा जैसे घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज को दिल से जो है लाइक करेंगे। आप सभी को पूरा का पूरा हाईलाइट रोमांचक मुकाबला वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब पहले टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी का न्योता हमारी भारतीय टीम को दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि तूफानी विस्फोट गेंदबाजी से कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और रिंकू सिंह को 11 या 24 रन पर आउट कर देंगे और 100 रनों के भीतर पूरी की पूरी टीम को समेट देंगे। लेकिन ये शायद उनकी सोच उन्हीं पर हावी हो गई। सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में 2 कवर ड्राइव चौके और 2 गगनचुंबी आसमानी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा तो वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे हिटमैन को आउट करने के लिए, लेकिन हिटमैन की तबाही भरी बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। कप्तान रोहित शर्मा ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी और उनकी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी को पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। शुभमन गिल 8 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद मैदान पर एक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था घातक विस्फोटक बल्लेबाज, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जिसने पहले टी20 के मुकाबले में वापसी करते ही चौके से शुरुआत की और काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 2 गगनचुंबी आसमानी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। इनकी बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। कई इंग्लैंड के गेंदबाजों ने गेंद डालने से भी मना कर दिया क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज भी थर्रा उठे तो वहीं हिटमैन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इस पहले टी20 के मुकाबले में विराट कोहली ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अंग्रेजों को जमकर के धो दिया, लेकिन जो है घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली 14वें ओवर की 3री बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही विराट कोहली आउट हुए वैसे ही मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज गया जिसका नाम था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह ने पहले टी20 के मुकाबले में आते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज तो हैरान थे ही, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज वर्ल्ड कप में होता तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज हमारे हक में होती। रिंकू सिंह और कप्तान रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि काफी जो है बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहे हो और यहाँ पर वर्ल्ड कप की हार का बदला ले रहे हो। कप्तान रोहित शर्मा धीरे धीरे 18 ओवर तक जाते आते जो है 112 रन ठोक चुके थे और अभी भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब यहाँ पर आउट हुए रिंकू सिंह तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिला। सूर्य ने मैदान पर आते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव एक काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने पहले टी20 मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। सूर्या ने आते ही छक्के चौके बरसाने शुरू कर दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके जड़ दिए, जहां पर 19वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 छक्के और वहीं सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके लगातार लगा दिए, जहां पर बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। लेकिन घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 38 रन ठोक दिए, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने 212 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और इस टी20 के मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल के इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रखनी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक वार्म अप
मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चल करके होगा। वर्मा मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी जीत हासिल की, क्योंकि जब इंग्लैंड के कप्तान मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और गेंद बल्लेबाज आए तो भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से एक एक कर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ईश्वर से दुआ कामना बनाए रखिए कि जो है हर एक मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीते।